हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक प्रेपोजिशन ऑन एंड अपॉन। बेटा देखो, ऑन और अपॉन जो है उसका मीनिंग जो है वो सेम सेम ही है लगभग, ठीक है। ऑन का मतलब भी पर है और अपॉन का मतलब भी पर है, लेकिन अपॉन का मीनिंग जो है वो ऊपर से, ठीक है। किस सेंस में यूज होता है अपॉन? ऊपर से। मीनिंग इसका पर ही होता है, ठीक है। अब ऑन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और अपॉन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, एक डिफरेंस है इसमें। देखो, ऑन में जो है रेस्ट होता है, ठीक है। रेस्ट की सेंस में हम ऑन का यूज करते हैं, मूवमेंट नहीं होती इसमें। और अपॉन में जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। अपॉन में रेस्ट नहीं होता, इसमें क्या होती है बेटा? मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? पहले हम ऑन के यूजेस जो है वो देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इज बिफोर डे एंड डेट। आपने देखा होगा ना, डे और डेट से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ठीक है। कोई भी डे आ जाए तो उससे पहले हम ऑन का यूज करेंगे, या फिर कोई डेट आ जाए जैसे ऑन 21st जनवरी, ठीक है, या ऑन 1st दिसंबर। एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि ओनली अगर ईयर आता है, मान लो जनवरी या दिसंबर, ओनली ईयर आता है तो हम ऑन का यूज नहीं करते, इन लगाते हैं वहाँ, इन जनवरी, इन दिसंबर। जब कोई डेट आ जाती है वहाँ पे तो हम ऑन का यूज करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब डेट आएगी तो हम ऑन का यूज करेंगे, जब डेट नहीं होगी, ओनली ईयर होगी, तो हम उससे पहले इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्लोज टू ए प्लेस, किसी प्लेस के क्लोज होता है, ठीक है। कोई भी चीज है, कोई जगह है जो किसी प्लेस के क्लोज है, जैसे एग्जांपल आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, ठीक है। आगरा जो है वो सिचुएटेड है किस रिवर के किनारे? यमुना रिवर के। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। क्लोज हो गया ना, आगरा जो है वो रिवर के क्लोज है। नेक्स्ट देखो, बाय मीन्स ऑफ या डिपेंडेंट ऑन, कोई चीज या कोई भी लिविंग थिंग्स किसी पे डिपेंड, ठीक है। एग्जाम्पल बताती हूँ इसके लिए मैं आपको। एग्जाम्पल, ही लीव्स ऑन मिल्क ओनली, वह ओनली मिल्क पे डिपेंड है, ठीक है। मिल्क पे डिपेंड है तो इट मीन्स ये डिपेंडेंट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, देखो। एक काओ लीव्स ऑन ग्रास, जो काओ है वो किस पे जो है जिंदा रहती है? ग्रास पे, ऑन ग्रास, डिपेंड है ग्रास पे, इट मीन्स वो डिपेंड है। एक और एग्जांपल देख लो, एक कार रन्स ऑन पेट्रोल, एक कार जो है वो किस पे डिपेंड है? पेट्रोल पे। तो इससे पहले हमने क्या यूज कर दिया? ऑन। देखा होगा तीनों ही केसेस में जो है वो डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लियर हो गया आपको बाय मीन्स ऑफ एंड डिपेंडेंट ऑन। लास्ट देखो, अबाउट कंसर्न, किसी चीज के बारे में हम कंसर्न कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ही इज राइटिंग एन एसे ऑन पोल्यूशन, यानी वो पोल्यूशन के ऊपर जो है ऐसे लिख रहा है, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? ऑन, ठीक है। पोल्यूशन पे ऐसे लिख रहा है, उसके बारे में बता रहा है, कंसर्न कर रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो वहां भी हम ऑन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ऑन के यूजेस जो है वो क्लियर हो गए। अपॉन के देखो, अब अपॉन में जो है हर बार मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट ने जंप किया, ठीक है, टेबल के ऊपर से, ठीक है। इसका जो यूज है वो ऊपर के सेंस में होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, ए मोंकी जंप्ड अपॉन
द ट्री, मंकी ने जंप किया ट्री के ऊपर से, ठीक है। कोई चीज रेस्ट में बैठी है, जैसे ओन का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे ए जग इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो इट मीन्स जग जो है वो टेबल के ऊपर है, मूव नहीं कर रहा, जग टेबल के ऊपर है लेकिन मूव नहीं कर रहा। और इन दोनों ही एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया कि वो मूव कर रही है, कैट जंप कर रही है, ठीक है, बिल्ली जंप कर रही है टेबल के ऊपर से, मंकी भी जंप कर रही है, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर आपको, ओन और अपॉन का क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।